हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम सीखेंगे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन में हम दो चीज़ें सीखेंगे, एक तो डेप्रिसिएशन का रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं और एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास मेनली दो मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। पहला होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को और क्या बोलते हैं, फिक्स्ड और इक्वल इंस्टॉलमेंट। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को बोलते हैं रिड्यूसिंग या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो हम पहला करेंगे अपना स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले सीखेंगे हम इसका फॉर्मूला। एसएलएम के कितने फॉर्मूले होते हैं, एसएलएम के दो फॉर्मूले हम सीखेंगे अभी। एक तो होता है पहले एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं और दूसरा होता है हमारा रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन का। तो एनुअल डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड में, ये कौन सा मेथड है, एसएलएम मेथड में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड रेजिड्यूअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ये तो हुआ हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब सेकंड आता है हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में। उसके लिए क्या होगा हमारा फॉर्मूला, एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू 100। तो आपके पास इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है, आपके पास अगर रेट है तो आप क्या कर सकते हो, एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एनुअल डेप्रिसिएशन नहीं है तो आप रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते। दोबारा समझते हैं, अगर आपके पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो, मतलब डेप्रिसिएशन का रेट हो, तो आप क्या करोगे, एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर एनुअल डेप्रिसिएशन नहीं है तो आप रेट कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि रेट कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखना पड़ता है, हमें एनुअल डेप्रिसिएशन लिखना पड़ता है, एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू 100। ये तो है हमारे दो फॉर्मूले जिससे हम डेप्रिसिएशन और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसका करते हैं हम एग्जाम्पल। हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो परचेस प्राइस है हमारी 5 लाख, लोडिंग है हमारा 1500, फ्रेट है हमारा 7000, अनलोडिंग चार्जेज हमारे 2000 और एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीनरी हमारी 10 ईयर्स और सेल्वेज वैल्यू कितनी है हमारी 60,000। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, देखो पहले हम क्या करेंगे, परचेस प्राइस कितनी थी हमारी 5 लाख, फिर लोडिंग कितनी है उसमें 1500, फिर फ्रेट कितना है 7000, अनलोडिंग चार्जेस कितना है 2000। तो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितनी हो गई हमारी 5,10,500। ये तो आपको पता ही होगा कि जब भी कोई नई एसेट हम परचेस करते हैं तो उसको हमारे प्रेमिसेस तक लाने में जो भी खर्चे आते हैं वो हम सारे एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, हम जो भी एसेट परचेस करते हैं, नई एसेट कोई भी परचेस करते हैं, उसको लाने तक, हमारे प्रेमिसेस में लाने तक जितने भी खर्चे होते हैं, चाहे वो लोडिंग हो, चाहे वो फ्रेट हो, चाहे वो कस्टम ड्यूटी हो, वो सारे खर्चे हम किस में ऐड करते हैं, अपने फिक्स सेट्स की कॉस्ट में ऐड करते हैं। तो हमारी कॉस्ट कितनी आई 5,10,500। तो इस पर क्या करेंगे हम, इस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद रेट निकालेंगे डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट ऑफ द असेट माइनस एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू
डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। तो हमारा टोटल कॉस्ट कितनी थी, 5,10,500, जो कि ये था, माइनस एस्टिमेटेड रेजिड्यूअल वैल्यू। रेजिड्यूअल वैल्यू कितनी थी हमारी, 60,000, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो ये दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 10। 10 क्या है हमारा, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 5,10,500 माइनस 60,000 इक्वल टू आएगा हमारा 4,50,500 डिवाइडेड बाई 10। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा, 45,050। तो ये क्या निकला हमारा, डेप्रिसिएशन निकल गया, कब का, पर एनम, एक साल का डेप्रिसिएशन निकल गया हमारा, ठीक है। तो हमने कैसे कैलकुलेट करा, एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स माइनस एस्टिमेटेड रेजिड्यूअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। तो हमारे क्या निकल जाएगा, पर एनम का डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। अब ये तो निकल गया हमारा डेप्रिसिएशन, अब दूसरा काम क्या करना है हमने, इसमें रेट कैसे निकालते हैं डेप्रिसिएशन का। इसको तो रेट, रेट कोई अगर क्वेश्चन में आएगा इसका रेट भी कैलकुलेट करो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू 100। तो इसमें एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है हमारा, ये वाला है हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन 45,050। तो ये हमारा रेट निकल गया, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 45,050 डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू 100। तो रेट कितना निकाल गया हमारा, 8.825%। अभी भी हो, जब डेप्रिसिएशन का रेट निकालते हैं तो वो एसेट की टोटल कॉस्ट में निकालते हैं, ना कि रेजिड्यूअल वैल्यू माइनस करके। कौन से कॉस्ट पे निकालते हैं, एसेट की टोटल कॉस्ट भी। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी थी, 5,10,500, इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, 5,10,500। तो ये क्या निकाल गया हमारा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये तो था हमारा एसएलएम मेथड का, कि हम कैसे रेट कैलकुलेट करते हैं और कैसे एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। अब सेकेंड पॉइंट आता है हमारा WDV मेथड। तो इसमें है हमारा हाउ टू कैलकुलेट WDV रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो कि रिटर्न डाउन वैल्यू। ये थोड़ा उससे टिपिकल है। तो इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, R का मतलब होता है रेट, R इक्वल टू 1 माइनस nth रूट S अपॉन 7 इंटू 100। तो इनका मतलब क्या होता है, इस R का मतलब तो हो गया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, 1 तो 1 ही है। N का मतलब हो गया यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, N का मतलब क्या हुआ, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, और S का मतलब हो गया स्क्रैप वैल्यू, और C का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ एसेट। नॉर्मली क्या होता है एग्जाम्स में, जब WDV मेथड पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आता है तो नॉर्मली रेट दिया रहता है, क्योंकि ये बहुत इसका रेट निकालना थोड़े क्या होता है, टफ होता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एग्जाम पे डिपेंड नहीं रहना कि वहाँ रेट आएगा तो हमें क्या जरूरत है इसको करने की, नहीं, हमें सीखना भी तो है, हमें देखना भी तो है कि किस तरह से WDV का रेट कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन का, इसको समझते हैं। अब एक एग्जांपल से इसको हम कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह से इसका रेट निकलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स 1 लाख, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स कितनी है हमारी 8 ईयर्स, स्क्रैप वैल्यू कितनी है 5,000, कराइए कैलकुलेट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने को नहीं बोलना, क्योंकि जब रेट आ जाएगा आपके पास तो आप डेप्रिसिएशन तो वैसे ही कैलकुलेट कर लोगे इसका बड़े इजी तरीके से। लेकिन मेन इसमें क्या होता है, रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन का, वो हमें सीखना है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम इसका, पहले तो हम जो हमारा फॉर्मूला था हम उसको लिखेंगे इसमें, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो, 1 रेट, तो रेट हुआ, रेट निकालना हमने कैलकुलेट करना है, ये 1 हमारा ये आया,
ठीक है, माइनस एन, एन का क्या मतलब था देखिए यहाँ, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, तो यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स एसेट कितनी है हमारी, 8 ईयर्स, हमने क्या लिख दिया यहाँ, एट, एट nth रूट क्या था हमारा फॉर्मूले में, एस, एस क्या थी हमारी, ये स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू कितनी है हमारी, ये देखो 5000, यहाँ हमने 5000 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अपॉन 1 लैख, 1 लैख क्यों लिखना था, क्योंकि फॉर्मूले में क्या था हमारा, सी, सी क्या था हमारा इसमें, कॉस्ट ऑफ एसेट, तो कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है हमारी यहाँ, 1 लैख, तो हमने क्या लिख दिया है, 1 लैख और इंटू 100, ये वाला 100 यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे 5000 को 1 लैख से, तो अगर 5000 को 1 लैख से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 0.05, सबसे पहले ये आया हमारा। अब यहीं से हम क्या करेंगे, रेट कैलकुलेट करेंगे, तो यहीं से थोड़ा क्वेश्चन क्या आता है, टिपिकल हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे इस वाले कैलकुलेटर से, मेरे पास ये वाला कैलकुलेटर है, तो ये कैलकुलेटर सेम है जैसे फिजिकल जो कैलकुलेटर होता है उसी की तरह है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 0.05 ये वाली वैल्यू हमने यहाँ लिख दी। अब इसको करेंगे हम 12 बार, हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट दबाएंगे, तो ये स्क्वायर रूट दबाएंगे हम 12 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, हमने क्या करा 12 बार स्क्वायर रूट दबाया। अब इसमें करेंगे -1 = ठीक है, 12 बार स्क्वायर रूट दबाने के बाद -1 = ठीक है। अब जो हमारे पास ये वाली वैल्यू निकली है 7.3111, इसको हम डिवाइड करेंगे यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, तो हमारे पास यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स कितनी है, 8 ईयर्स, ये वाली ना, तो इसको करेंगे डिवाइड, डिवाइडेड बाई 8 = ठीक है। तो पहले हमने क्या करा था, -1, तो अब क्या करेंगे हम, +1 = अब ये वैल्यू निकल गई हमारी 0.99990, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये वैल्यू निकलने के बाद पहले हमने 12 टाइम्स क्या करा था, स्क्वायर रूट प्रेस किया था, अब क्या करेंगे हम, 12 टाइम्स मल्टीप्लाई इक्वल टू ऐसे ही 12 बार करेंगे हम, जैसे हमने पहले किया था। तो कैसे करेंगे, तो करते हैं मल्टीप्लाई इक्वल टू, एक बार हो गया और ये 2 बार हो गया और ये 3 बार हो गया और ये 4 बार, ये 5, ये 6 बार, ये 7, ये 8, ये 9, 10, 11 और ये 12, ठीक है। 12 बार हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई इक्वल टू, बस यहीं तक है हमारा इसका काम। तो हमारे पास कितनी, कौन सी वैल्यू निकली, 0.6877, तो इसको हम नोट करके रखेंगे 0.6877। अब हमारा ये वाला जो एरिया था 8 nth रूट 0.05, इसका काम कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास अब कौन सी वैल्यू बची, 1 × 100, और ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इसको हम कट करके हम 1 से माइनस करेंगे इसको, ठीक है। तो 1 - 0.6877 = कितना है हमारे पास, 3123, किससे, इस 1 से माइनस किया हमने उस वैल्यू को, मल्टीप्लाई 100 जो ये मल्टीप्लाई है, इंटू 100 और इक्वल टू, तो हमारे पास क्या रेट आ गया हमारा, 31.23, ये हमारी क्या आ गई, डेप्रिसिएशन का रेट आ गया। तो हमने कैसे सीखा था ये फॉर्मूला, पहले हमने यहाँ से क्या करना है, इसको डिवाइड किया तो हमारे 0.05 आया, इस 0.05 वैल्यू को क्या करना है हमने, 12 टाइम्स क्या करना है हमने, स्क्वायर रूट प्रेस करना है। के बाद अगला स्टेप क्या था हमारा, -1 = उसके बाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल टू,
पहले हमने माइनस किया था, फिर हमने क्या करना है प्लस वन इक्वल टू, उसके बाद क्या करना है हमने 12 टाइम्स इनटू इक्वल टू इनटू इक्वल टू इनटू इक्वल टू, और ये करेंगे जब हम तो हमारी ये वैल्यू वैल्यू निकल जाएगी। और उसके बाद हमने क्या करना है 1 माइनस 0.6877, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या निकल जाएगा हमारा 31.23%। हम करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, सेम इसी की तरह करेंगे, इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है हमारा एसेट वैल्यू कितनी है हमारी 10 लाख है, स्क्रैप वैल्यू कितनी है इसकी 2,50,000, यूजफुल लाइफ कितनी है हमारी 10 इयर्स, तो कैलकुलेट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर WDV मेथड। तो सेम फॉर्मूला आएगा हमारा इसमें, तो हम क्या करेंगे देखो 1 माइनस ये 1 माइनस 10, 10 क्या था हमारा हमने पहले बोला था नंबर ऑफ इयर्स, ये वाला 10 आ गया हमारा यहाँ, ठीक है 10 nth रूट, ये क्या था हमारा s क्या था हमारा स्क्रैप वैल्यू, तो स्क्रैप वैल्यू कितनी हमारी 2,50,000 जो ये वाला है, उसके बाद अपॉन क्या था हमारा कॉस्ट ऑफ द एसेट, तो कितनी हमारी कॉस्ट ऑफ द एसेट्स 10 लाख और इनटू 100। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा 2,50,000 को 10 लाख से डिवाइड कर देंगे, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0.25 निकल के आएगा। अब यहीं से जो मैंने बताया था कि किस तरह कैलकुलेट करना है इस वैल्यू को, हम क्या करेंगे पहले 0.25 को 12 टाइम्स स्क्वायर रूट प्रेस करेंगे, फिर माइनस 1 करेंगे, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स से डिवाइड करेंगे इक्वल टू जो आंसर आया हमारा, फिर पहले हमने माइनस किया था 1, तो फिर क्या करेंगे अब क्या करेंगे हम प्लस 1, प्लस 1 के बाद इक्वल टू प्रेस करेंगे, उसके बाद 12 टाइम्स इनटू इक्वल टू इनटू इक्वल टू इनटू इक्वल टू करेंगे। तो इसको चलो शुरू करते हैं, इसको कैसे करते हैं, हम कैलकुलेटर में लिखेंगे पहले 0.25, ठीक है, इसको क्या करना है हमने 12 टाइम्स क्या करना है स्क्वायर रूट प्रेस करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है 12 बार हमने स्क्वायर रूट प्रेस कर दिया। उसके बाद हमारा कौन सा स्टेप था, माइनस 1 इक्वल टू, माइनस 1 इक्वल टू करने के बाद क्या करना है हमें नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देना है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 10, क्योंकि यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स की कितने हैं ईयर्स में 10 ईयर्स हैं, तो डिवाइडेड बाय 10 और इक्वल टू, उसके बाद क्या करना है हमने पहले हमने क्या किया था माइनस 1, तो अब क्या करेंगे हम प्लस 1 इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे 12 टाइम्स इनटू इक्वल टू इनटू इक्वल टू इनटू इक्वल टू, तो करते हैं इनटू इक्वल टू एक बार, ये दो बार, ये तीन बार, ये चार बार, ये पांच बार, ये छह बार, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 बार, तो हमारा कितना निकला 87056। अब यहाँ तक हमारा काम पूरा हो गया, अब ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट होगी, अब क्या करेंगे हम 1 माइनस, तो इसको करेंगे हम या तो यहीं से 1 माइनस कर दो या इस वैल्यू को नोट डाउन कर लो 87056, तो ये निकल के आया हमारा 0.8705। अब 0.8705 निकल के जो आया इसको किससे माइनस करेंगे हम 1 से माइनस करेंगे जो ये 1 बचा हुआ हमारा, तो निकल के आएगा हमारा 12.95, तो 1 माइनस 0.8705 इंटू 100, तो हमारी वैल्यू कितनी निकल गई 12.95%। तो ये था हमारा WDV मेथड का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा मैं स्टेप दोबारा समझाता हूँ आपको, ये कैसे आएगा, इसको एक तरफ से रट भी लो और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे,
ये जो वैल्यू है हमारी 0.25, इसको हम सबसे पहला स्टेप रहेगा हमारा 12 टाइम्स हम स्क्वायर रूट दबाएंगे, कर दिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस 1 इक्वल टू जो भी वैल्यू आई उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स से, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल टू। उसके बाद क्या करेंगे, पहले हमने माइनस 1 किया था, इस बार करेंगे प्लस 1 इक्वल टू, जो भी वैल्यू आई उसको 12 टाइम्स इनटू इक्वल टू इनटू इक्वल टू इनटू इक्वल टू, अगर हम 12 टाइम्स इनटू इक्वल टू करेंगे तो हमारी ये वाली वैल्यू निकल के आएगी, ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो फिर सिंपल है, फॉर्मूले में क्या है, 1 माइनस करेंगे इसको, 1 माइनस 0.8705 इनटू 100, तो हमारा परसेंटेज कितना निकल जाएगा डब्ल्यू वी का, 12.95। तो ये थे हमारे दो मेथड बच्चों, डब्ल्यू डी बी के और एस एल एम के। थैंक यू बच्चों।